बच्चों आज हम तुम लोगों को वृत्त के बारे में बताएंगे। इस चित्र में तुम्हारी जानी पहचानी चीजें दिखाई दे रही है ना, ये गेंद का चित्र है, ये कांच की गोलियों का चित्र है, ये कुछ चूड़ियां हैं और ये साइकिल का पहिया है ना। इन चित्रों को जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सब गोलाकार लगेंगी कि गोल, सब सारी आकृतियां गोल हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, गेंद की आकृति गोलाकार आकृति और चूड़ी की गोलाकार आकृति भिन्न है। ये किस तरह भिन्न है देखो हम तुमको समझाते हैं। जो गेंद है इसमें लंबाई और चौड़ाई के अलावा ऊंचाई और मोटाई भी होती है, और इसकी सतह पे जो बिंदु होते हैं वो एक ही तल में नहीं होते हैं, यानी कि कई तल में होते हैं, चारों तरफ समान रूप से फैले हुए होते हैं। तो इस तरह की आकृति को हम गोलाकार आकृति या गोला कहते हैं। यानी कि जो कांच की गोलियां तुम लोग खेलते हो वो कांच की गोलियां और साइकिल के पहिए के छर्रे होते हैं, ये भी गोला है, है ना। अब जो चूड़ियां होती है इन चूड़ियों के बारे में जानते हैं। चूड़ी एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी सतह के सभी बिंदु एक ही तल में होते हैं, है ना, और इस तरह की आकृति को हम वृत्ताकार आकृति कहते हैं, यानी कि वृत्त, है ना। और इसे तुम्हारा ये अंगूठी का छल्ला होता है और साइकिल के पहिए का रिम होता है, ये भी वृत्ताकार है। वृत्त बनाने के लिए तुम्हें एक प्रकार चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक पटरी चाहिए। इसमें देखो प्रकार दिखाया गया है, ये प्रकार में पेंसिल लगी हुई है और इसकी सहायता से ये वृत्त बनाया गया है, है ना। ये वृत्त का चित्र है, और चित्र को बना के देखते हैं। ये देखो पटरी है और ये प्रकार है, तुम लोगों के पास होगा, और इसमें ये पेंसिल लगी हुई है। अब क्या करते हैं, इस पटरी इसके प्रकार की दोनों भुजाओं को हम इस तरह फैलाते हैं, है ना। फैला के जितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको वृत्त बनाना है उतना हम स्केल से नाप लेते हैं। जैसे मान लो हमको 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, ये हमने 4 सेंटीमीटर इसको इसमें से नाप लिया है ना। ये देखो, यानी कि पटरी के एक तरफ पेंसिल है और एक तरफ प्रकार की नोक है। पहले एक बिंदु लेंगे, ये बिंदु है, इसका नाम हमने रखा ओ, ठीक। अब इस बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे ही यहाँ पे एक बिंदु बना लेंगे। इस बिंदु का नाम हम रखते हैं ए, इस बिंदु का नाम हमने रखा ए। अब प्रकार की नोक को फिर से ओ पे रखते हैं, बिंदु ओ पे, और ए से शुरू करके इसको ओ के चारों तरफ घुमाते हैं और इस तरह घुमाते हैं कि ये लौट के फिर ए पर ही आ जाए, ठीक है। ये देखो ये लौट के फिर ए पर आ गया, ये हमारा वृत्त बन गया। इस तरह से हम वृत्त बनाते हैं। अब इसमें हम बिंदु ओ और बिंदु ए को मिला देते हैं। बिंदु ओ ए को मिला दिया, ये ए ओ वृत्त की त्रिज्या होती है जो हमने अभी 4 सेंटीमीटर नापी थी। अब इसको हम अगर थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो ये वृत्त पे एक जगह मिलती है, इस वृत्त पे इसका नाम हम बी रख देते हैं, बिंदु बी। तो इस वृत्त में जब हम त्रिज्या को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सीध में, तो हमें रेखाखंड मिलता है ए बी। ये रेखाखंड ए बी वृत्त का व्यास होता है, रेखाखंड ए ओ वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये बिंदु ओ वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त का अंतर क्षेत्र और वृत्त का बाह्य क्षेत्र। इस चित्र में ध्यान से देखो, इस चित्र में कुछ समय वृत्त एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र ओ है और जिसकी त्रिज्या ओ ए है, है ना। अब इस वृत्त के अंदर हरा रंग है, वृत्त के बाहर पीला रंग भरा हुआ है। वृत्त के अंदर का क्षेत्र जो हरे रंग का है, ये वृत्त का अंतर क्षेत्र होता है, यानी कि अंदर का हिस्सा, और वृत्त के बाहर का हिस्सा जो इसमें पीले रंग का रंगा हुआ है, ये वृत्त का बाह्य क्षेत्र होता है, यानी कि बाहर का हिस्सा, है ना। अब इसमें तुम अंतर क्षेत्र में देखो, तुम्हें कुछ बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, बिंदु आर, बिंदु ओ और बिंदु क्यू, ये वृत्त के अंतर क्षेत्र में है। वृत्त के बाह्य क्षेत्र में भी कुछ बिंदु हैं, बिंदु डी, बिंदु सी, बिंदु बी, ये बिंदु वृत्त के बाह्य क्षेत्र में है। तथा तुम्हें कुछ और बिंदु दिख रहे हैं जो वृत्त पर ही स्थित हैं, जैसे कि बिंदु ए, बिंदु पी और बिंदु एम, ये बिंदु वृत्त पर ही स्थित हैं। इस चित्र को देखो, इसमें तुम्हें एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या यानी कि ओए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिखाई दे रहा है।
इसमें हमने अभी चर्चा की थी कि वृत्त पर स्थित बिंदु पी एम ए है, ओ ए हमारी त्रिज्या है, और हमें ये पता करना है कि बिंदु पी और बिंदु एम की ओ से यानी कि केंद्र से दूरी कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से यानी कि केंद्र से हम पी को मिला देंगे। इसको तुम लोग पटरी से मिला सकते हो, ऐसे इसको ऐसे पटरी से मिला दिया और इसको भी ऐसे पटरी से मिला दिया। इसके बाद हमें पता करना है कि दूरी कितनी है, इसको हम पटरी से नापेंगे। हमारी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, अब हम पी ओ को नापते हैं, ये पी ओ भी 3 सेंटीमीटर है, और ओ एम को नापते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर है। इससे ये मालूम पड़ता है वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी केंद्र से बराबर होती है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या के बराबर हैं, वे वृत्त पर स्थित होते हैं। यानी वृत्त पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं और वो त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस चित्र में हम वृत्त के अंदर के बिंदु और वृत्त के बाहर के बिंदु पर चर्चा करेंगे। वृत्त के अंदर हमको एक बिंदु दिखाई पड़ रहा है, बिंदु आर, और एक बिंदु क्यू है ना। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसकी पता करते हैं केंद्र से दूरी कितनी है। बिंदु आर को हम बिंदु ओ से ऐसे मिला देते हैं, और बिंदु बी जो हमको बाहर दिखाई पड़ रहा है वृत्त के, इसको भी हम केंद्र से ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद पटरी से इसको हम नापते हैं। पटरी से हम इसको नापेंगे तो इसकी दूरी आ रही है लगभग 2 सेंटीमीटर आर की। बिंदु आर की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ओ आर हमारी त्रिज्या ओ ए से कम है। और हम ओ बी को नापते हैं, ओ बी को नापते हैं, ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर। इसकी दूरी है केंद्र से 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो बिंदु बाहर स्थित है, बिंदु बी जो बाहर स्थित है, इसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम है, वे वृत्तीय क्षेत्र में होते हैं, तथा वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां उसकी त्रिज्या से अधिक होती है, वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होते हैं। इस चित्र को देखो ध्यान से, इसमें एक हमको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिखाई पड़ रहा है, जिसका केंद्र ओ है, जिसकी त्रिज्या ए ओ है। इसमें कुछ बिंदु हैं, एक बिंदु P है, बिंदु Q है, और मान लीजिए एक बिंदु R है जो कि वृत्त पर स्थित है। अब हम इन बिंदुओं को आगे बढ़ाते हैं केंद्र से होकर। पहले हम AO को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हम AO को आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखाखंड मिलता है जिसको हम कहते हैं AB। ठीक इसी तरह हम बिंदु P से शुरू करके केंद्र से होकर इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमको रेखाखंड मिलता है PM। Q से शुरू करके केंद्र से होकर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको रेखाखंड मिलता है QN। और जब R से शुरू करते हैं तो RS, ये हमको 3 रेखाखंड प्राप्त होते हैं, PM, QN और RS। A भी हम आपको बता चुके हैं वृत्त का व्यास है। ठीक इसी तरह ये तीनों रेखाखंड PM, QN, SR वृत्त के व्यास हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। एक ही वृत्त के सभी व्यास लंबाई में समान होते हैं। ये तो हमने तुमको व्यास के बारे में बताया, अब हम तुम लोगों से त्रिज्या और व्यास के संबंध के बारे में बात करेंगे। यह भी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और इसमें हमने OL हमारी त्रिज्या है, OL को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है तो ये वृत्त को बिंदु M पर काटता है, यानी कि हमको एक रेखाखंड मिलता है LM। इसमें LO वृत्त की त्रिज्या है और LM वृत्त का व्यास है। इसको हम अगर नापते हैं, OL को नापते हैं, तो OL की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, और जब हम LM को नापते हैं तो हमको इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मिलती है, यानी कि त्रिज्या से दूनी।
और हम देख इसके बाद दोनों को अलग अलग नापते हैं, ओएल को अलग से नापते हैं तो 2 सेंटीमीटर है, और ओएम को अलग से नापते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ओएम हम सिर्फ ओएम को ध्यान दें तो ओएम भी वृत्त की त्रिज्या हुई और एलएम वृत्त का व्यास है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वृत्त के व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई की 2 गुनी होती है, अर्थात व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई व्यास की लंबाई की आधी होती है, अर्थात त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। अब हम लोग एक और चीज के बारे में जानते हैं जिसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। इस चित्र में एक वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, एक वृत्त है। इस वृत्त को अगर चारों तरफ हम एक रेखा से घेर दें, ये गुलाबी रंग की रेखा आप देख रहे हैं, वृत्त को चारों तरफ एक रेखा से घेर दें तो इस रेखा की लंबाई, इस रेखा की लंबाई वृत्त की परिमाप कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं वृत्ताकार घेरे की परिमाप को परिधि कहते हैं। इसको हम एक आपको गतिविधि के द्वारा भी समझा सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए हमारे पास एक वृत्त का चित्र है, कटा हुआ वृत्त है। इसकी परिधि नापने के लिए हम एक डोरी लेते हैं, ये डोरी हमारे पास है। इस डोरी से इस बिंदु से हम इसको इस वाले बिंदु से शुरू करते हैं, इसको हम इस तरह से नापते हैं डोरी से। ये यहां पे इस बिंदु पे आके खत्म हो जाती है, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आके खत्म होती है। तो इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं और इसको इसको कैंची से यहां पे काट देते हैं। तो ये जो लंबाई, इस डोरी की लंबाई है, ये डोरी की लंबाई इस वृत्त की परिमाप है, यानी कि परिधि है। ठीक है, इसको हम इसे पटरी से नाप लेंगे, पटरी से नाप लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा इसकी परिधि कितनी है। ठीक है, ये तो तुमको हमने परिधि के बारे में बताया। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं जिसको वृत्त की जीवा कहते हैं। इस चित्र में देखो एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र O है, जिसपे 3 बिंदु हैं, एक बिंदु B है, बिंदु N है और बिंदु D है। ये तीनों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। अब हमने दूसरे वृत्त में क्या किया है, बिंदु B और D को मिला दिया है। इसको बिंदु B और D को मिलाते हैं, बिंदु B और N को मिला देते हैं। बिंदु B और D को मिलाने पे हमको एक रेखाखंड मिलता है जिसको हम BD कहते हैं, रेखाखंड BD। ये रेखाखंड BD वृत्त की जीवा होती है। यानी कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पे, ऐसे बिंदु जो वृत्त पर स्थित हैं, ऐसे 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड मिलता है वो वृत्त की जीवा होती है। और ये बिंदु B और बिंदु N ये भी वृत्त पर स्थित है, इनको भी हमने मिला दिया है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और वृत्त से केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये रेखाखंड बी एन भी एक जीवा है, रेखाखंड बी डी भी एक जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब हाँ, आप लोगों को वृत्त की चाप के बारे में बताते हैं। इस चित्र में देखिए केंद्र O दिखाई दे रहा है, हम इसके लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा प्रकार है, पेंसिल है। बिंदु O पर प्रकार के नोक को रखते हैं और बिंदु A से हमें चाप लगाते हैं। आप देख रहे हैं चाप इस तरह से, ये चाप। तो इस रेखा जो आप हमको एक वक्र मिल रहा है AB, इस वक्र को हम चाप कहते हैं। और ये जो वक्र AB है ये इस पूरे वृत्त का एक भाग है। यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर जो ये रेखा, ये वक्र AB बनाया है, उस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से अगर हम पूरा वृत्त बनाते हैं तो इतना हिस्सा AB जो है इस पूरे वृत्त का एक भाग है। यानी कि वृत्त के वक्राकार भाग के किसी हिस्से को हम चाप कहते हैं। तो ये हमारी AB एक चाप है, और इसके अलावा इधर से भी देखेंगे तो ये भी हिस्सा भी एक चाप है। अब इस वृत्त में ध्यान से देखिए,
इसका केंद्र ए है, इस पर बिंदु स्थित है, चार बिंदु हैं, जे के एल एम, इस वृत्त पे चार बिंदु स्थित हैं। अब अगर हम के एल को मिला देते हैं, के एल को मिला देते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं के एल को मिला दिया है, चलिए इसमें आपको मिला के दिखाते हैं। के एल को मिलाने पर यह वृत्त जो है दो भागों में बढ़ जाता है। के एल जो है वृत्त की जीवा होती है। अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, तो के एल वृत्त की जीवा है और यह जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। इसमें ऊपर का हिस्सा के जे एल, ये एक चाप है, नीचे का हिस्सा के एम एल, इतना हिस्सा ये भी एक चाप है। इस चित्र में देखिए ये पीला हिस्सा यानी कि के जे एल, इतना ये चाप कहलाता है और के एम एल, इतना हिस्सा केवल चाप कहलाता है। लेकिन अगर हम चाप के साथ व्यास को भी साथ में ले लें, यानी व्यास ने जीवा को, इस चाप के साथ जीवा को भी अगर साथ में ले लें, यानी जीवा के एल और के जे एल, इतना पूरा हिस्सा देख लें, तो इस हिस्से को हम वृत्त का दीर्घ वृत्त कहते हैं या दीर्घ चाप भी कह सकते हैं इसको। और ये के एम एल, के एल जीवा के साथ, यानी चाप के एम एल और जीवा के एल, इतना हिस्सा मिला के वृत्त का लघु हिस्सा होता है, यानी लघु चाप। अब हम आप लोगों को अर्धवृत्त के बारे में बताएंगे। इस चित्र में देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र ओ है और इसमें व्यास ए बी है। व्यास ए बी इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, ये दो भाग बन गए हैं, एक हिस्सा इसमें हमने रंग दिया, एक हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, व्यास वाली रेखा से कैंची से इस वृत्त को काट लेते हैं। काटने के बाद हमको दो बराबर हिस्से मिलते हैं और इन दोनों हिस्सों को हम एक दूसरे के ऊपर रखकर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं। इसको हम आपको गतिविधि करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास वृत्त का चित्र है और ये बीच में जो रेखा बनी हुई है ये वृत्त का व्यास है। इसको यहां इस रेखा से काट लेते हैं। ये देखिए दो हिस्से मिल गए हमको। इन दोनों हिस्सों को एक हिस्सा लाल था, एक हिस्सा पीला था। दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं, जब हम रखते हैं देखते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाते हैं, कहीं से कुछ आपको बाहर से नहीं दिख रहा है, दोनों हिस्से एकदम बराबर हैं। यानी कि जब व्यास से एक वृत्त को बीच से अलग करते हैं तो जो दो हिस्से मिलते हैं वो एकदम बराबर होते हैं। इन हिस्सों को हम अर्धवृत्त कहते हैं, वो अर्धवृत्त दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। एक अर्धवृत्त एस एम टी एस टी हमारा व्यास है जो इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है और इसमें एक चाप है एसएमटी, चाप एसएमटी और एसटी, ये मिला के पूरा हिस्सा अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। और एसएमटी चाप और एसटी व्यास, यानी कि व्यास और दूसरी वाली चाप एसएमटी को मिला लें तो ये भी एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। अगर केवल चाप की बात करें हम तो एसएमटी ये पूरा वृत्त था, वृत्त के वक्राकार भाग का आधा हिस्सा है और चाप एसएनटी वृत्त के वक्राकार भाग का आधा हिस्सा है और व्यास एसटी दोनों में सम्मिलित है, इस वाले अर्धवृत्त में भी है और व्यास एसटी इस वाले अर्धवृत्त में भी है। तो चाप एसएमटी व्यास एसटी के साथ मिलाकर एक अर्धवृत्तीय छेद बनाता है जो कि पीले रंग का है इसमें, और चाप एसएनटी व्यास एसटी के साथ मिलकर दूसरा अर्धवृत्तीय छेद बना रहा है जो कि इसमें लाल रंग से दिखाया गया है। और ये दोनों अर्धवृत्तीय छेद आपस में बराबर हैं, यानी कि दोनों अर्धवृत्त बराबर।